Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this toner by the brand Pilgrim. This is their red wine face mist and toner. This has got niacinamide and aloe in it. And this is how the product looks like. So एक standard packaging में आता है ये Pilgrim की. So this is their red wine range. So थोड़ा सा मैं Pilgrim as a brand के बारे में आप लोगों के साथ share कर देती हूँ. So आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बहुत सारे products ना Pilgrim के review किए हैं. एक दो बार उनके साथ collab भी किया है. But ये जो product है रेड वाइन वाला मिस्ट वाला फेस मिस्ट, ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है. सो 90% Pilgrim के प्रोडक्ट्स मैंने अपने पैसे से ही खरीदे हैं. फर्स्ट टाइम आई बिलीव जब मैंने उन लोगों के साथ काम किया था, तब मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए थे. उसके बाद कभी कभी यू नो वो लोग मेरे साथ कोलैब कर लेते हैं. बट यस, ये वाला जो है ये मैंने खुद से खरीदा है. सो दिस इज फ्रॉम देयर फ्रेंच ब्यूटी सीक्रेट्स रेंज. सो Pilgrim एज अ ब्रांड जो है, Pilgrim इंडियन ब्रांड ही है, लेकिन वो क्या करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड से सीक्रेट इंग्रीडियंट्स लेकर आता है. उनके यू नो मेजर इंग्रीडियंट्स को लेकर आता है एंड अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में उनको इंक्लूड करता है. ठीक है. सो ये जो इनकी फ्रेंच वाली रेंज है, फ्रेंच ब्यूटी रेंज, सो ये उसमें रेड वाइन यू नो इसमें की इंग्रेडिएंट जो है वो इनका रेड वाइन है. सो ये उनकी ये वाली रेंज है. इस तरह की पर्पल वाली पैकेजिंग आपने बहुत सारी देखी होगी. सो उनकी ऑस्ट्रेलियन ब्यूटी रेंज है, आई थिंक वो टी ट्री वाली है. एंड देन दे हैव सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड रेंज, वो ब्लू कलर की पैकेजिंग में आती है. सो दे हैव गॉट लाइक डिफरेंट रेंजेस. सो काफी सारे स्किन टाइप्स को केटर करती है. इनके प्रोडक्ट्स जो है ना काफी माइल्ड है, जेंटल है और ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप को सूट कर जाते हैं. इनके 90% प्रोडक्ट्स मैं ये बोलूंगी मुझे सूट किए हैं. कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे लिए वर्क नहीं किए हैं, मैंने उनका भी रिव्यू डाला हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हो. सो दिस इज द रेड वाइन फेस मिस्ट एंड टोनर. दिस हैज गॉट नायसिनामाइड एंड एलो इन इट. नायसिनामाइड हमारी ओवरऑल स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन पे वर्क करता है. एलोवेरा क्या करता है, हमारी स्किन को काम डाउन करता है, हील करता है. एंड ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है. टोनर आपके पोर टाइटनिंग में हेल्प करता है, जो कि नॉर्मल टोनर करता है, एंड काफी अच्छे से रिफ्रेश कर देता है. ठीक है. सो आप इसे मेकअप से पहले भी यूज कर सकते हो एंड उसके बाद भी आप यूज कर सकते हो. सो ये स्प्रे बॉटल में आता है इस तरह की. काफी स्टैंडर्ड पैकेजिंग है हर टोनर की इनके. एंड इस तरह की स्प्रे बॉटल में आता है. सो आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हो. काफी लोग पूछते हैं इनके टोनर्स वगैरह में फ्रेग्रेंस है कि नहीं है. डेफिनेटली है इसमें फ्रेग्रेंस. ठीक है. आप इसे एज अ सेटिंग मिस्ट भी यूज कर सकते हो, बट आई वुडंट प्रेफर दैट. यूज इट एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट फॉर पोर टाइटनिंग, क्योंकि इसमें एक्सीलेंट इंग्रीडियंट्स है नायसिनामाइड एंड एलो. सो आई बिलीव वो पोर टाइटनिंग में यू नो ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे. बट यस, क्योंकि अब मैं गर्मी में शूट कर रही हूँ एंड तो मुझे ऐसा लगता है बीच बीच में अगर रिफ्रेशिंग मिस्ट मिल जाए तो इस तरह की मिस्ट भी अच्छी रहती है. हम जब गर्मी में बाहर जाते हैं तब भी बहुत अच्छे से वर्क करता है. सो Pilgrim जो है 100% वीगन है, क्रूल्टी फ्री है, डर्मैक्स ने इसे टेस्ट किया हुआ है, FDA अप्रूव्ड है, नो टॉक्सिक केमिकल्स, नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स एंड इट्स अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. सो ये इसकी गुड थिंग्स हैं Pilgrim के बारे में. बट इसके अलावा वैसे इनके जो टोनर्स हैं, इनके फेस क्लेंजर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग है. ये वाला टोनर भी बहुत ही अमेजिंग है, मुझे ट्राई करना था इनका. मैंने सीक्रेट्स ऑफ जीजू आइलैंड का टोनर कई बार यूज किया, पता नहीं कितनी बॉटल्स मैंने फिनिश की हैं. सो दिस टाइम मैंने ये वाला टोनर यू नो ट्राई किया है. काफी अच्छा है, काफी रिफ्रेशिंग है. एंड समर्स में आपको यू नो फेस मिस्ट चाहिए होती है ठंडी ठंडी कूल कूल. सो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो एंड देन आप इसे यूज कर सकते हो. काफी दिनों से यूज कर रही हूँ. काफी यू नो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है नाइट टाइम में, डे टाइम में. ये स्प्रे वाले टोनर्स तो ना गाइस आप कभी भी यूज कर सकते हो, स्पेसिफिकली समर्स में बहुत अमेजिंग है. 100 ml इसकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड 300 rupees इसका प्राइस है. बट Pilgrim की वेबसाइट पे अक्सर बाय वन गेट वन का ऑफर आता रहता है, बहुत अच्छी अच्छी सेल्स चलती रहती है, आप तभी से पिक कर सकते हो. आप कोई भी दो टोनर ले लो, सारी टोनर 300-350 की रेंज में आई बिलीव. सो आप एक ही वाला पिक कर सकते हो, एक दूसरा वेरियंट कर सकते हो, देन यू कैन ट्राई आउट कि कौन सा आपके लिए वर्क कर रहा है. मैंने इनके बहुत सारे टोनर्स का रिव्यू किया है, बहुत सारे तो है भी नहीं, 3-4 टोनर है. आई थिंक आई हैव ट्राइड ऑल ऑफ देम. एंड वंस यू ओपन द पैकेज तो आपको 6 months के अंदर इस यू नो टोनर को आपको फिनिश करना है. एंड टोनर तो 1-2 महीने में वैसे ही खत्म हो जाते हैं, 1 महीने में ही हो जाते हैं. पूरी इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है इनकी पैकेजिंग पे भी डिस्क्लोज्ड है और इनकी वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज की हुई है. बेस्ट वे टू बाय Pilgrim प्रोडक्ट्स वुड बी आई वुड रेकमेंड उनकी वेबसाइट से खरीदो, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी डील्स आती हैं. बट Amazon पे या नायका वगैरह पे तो ऑब्वियसली आती रहती हैं, बट Pilgrim की खुद की वेबसाइट पे बहुत अच्छी डील्स आती हैं, तो आप उससे खरीद सकते हो. आई थिंक अभी भी कुछ बाय वन गेट वन वाली सेल चल रही है, बट आई थिंक आजकल ना
हर वेबसाइट पे कुछ 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 सेल चलती रहती है, तो आप सेल टाइम में खरीदना, ठीक है। और ज्यादा इसके डिटेल में जानना हो ना, इसके पैकेजिंग के अंदर भी इन्होंने काफी सारी डिटेल्स दी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। बट ऑल इन ऑल आई वुड रेकमेंड दिस टोनर इन केस यू आर यू नो प्लानिंग टू पिक दिस रेड वाइन फेस मिस्ट एंड टोनर ड्यूरिंग दिस सेल। डेफिनेटली यू कैन, दिस एक्चुअली हाइड्रेट्स योर स्किन, टाइटन्स योर पोर्स एंड इट्स लाइक वेरी वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग। डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट। अगर आपको कुछ अच्छा इफेक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे फ्रिज में रखो, ठंडा ठंडा कूल कूल इफेक्ट। मेकअप से पहले भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, नाइट टाइम स्किन केयर रिजीम में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ही कुछ आउट ऑफ द ब्लू है, बट यस, एक नॉर्मल टोनर की तरह, एक अफोर्डेबल नॉर्मल टोनर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। डेफिनेटली यू कैन परचेज इट। इंस्टेंटली हाइड्रेट तो कर ही देगा, आपकी स्किन को रिफ्रेश भी कर देता है, ठीक है। और इसके कोई मुझे एसेट कोई क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट नहीं लगते हैं, बट स्टिल इन्होंने लिखा हुआ है कि आप अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एक बार इसका पैच टेस्ट कर लीजिए। सो मेरे साथ तो कोई ऐसा एसेट कोई एलर्जी वगैरह नहीं हुई है, पर जस्ट इन केस अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो डेफिनेटली। बट ऑल इन ऑल आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट, सो अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप भी ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द मिनी रिव्यू टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।